नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं 17 दिसंबर को अपनी फ्रेंड राका के घर गई थी। तो वीडियो नंबर 215 जो मैंने बनाया था उनके गार्डन के बारे में। तो उस दिन मैं उनके घर से खूब सारी कटिंग्स लेके आई थी। मैं आज उसी के बारे में बात करूँगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैंने यूफोर्बिया की कटिंग लगाई थी, 6 कटिंग लगाई थी मैंने, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह से है ये कटिंग। इसकी पत्तियाँ जो जितनी झड़नी थी वो झड़ गई और बाकी ये कुछ ऐसी बच गई हैं। इसका मतलब ये हमारे ये सब के कटिंग ये चल पड़ी है। और अगर पूरी पत्तियां भी झड़ जाती हैं तो हमें उन कटिंग्स को हटाना नहीं है, क्योंकि ये तो सीज़न ऐसा है, इसमें ऐसे भी पत्तियां झड़ती रहती हैं प्लांट्स की। तो इस वाली कटिंग की ये सारी पत्तियां मेरी झड़ गई हैं और इसमें तो ये देखो फूल भी आ गया एक, ये आप देख रहे हैं ये फूल भी आ गया एक। तो ये 6 की 6 कटिंग्स ऐसी रही है यूफोर्बिया की। तो मेरी किसी बहन का मैसेज था कि उन्होंने भी सेम डे ये यूफोर्बिया का ये कटिंग्स लगाई थी, तो आप इसका अपडेट ज़रूर दिखाएं। उनका उनका जो मैसेज था वो मेरे ध्यान में था, इसलिए मैंने सोचा ये मुझे ज़रूर आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये हमारी ये भी जो कटिंग है ये भी मेरी ग्रीन है, मैं इसको हटाऊंगी नहीं। और नीचे ये कुछ ये फूट भी रहा, ये फूट रहा है, ये इसमें से निकल रहा है न्यू न्यू लीव्स जहाँ कुछ ऐसे निकलने वाली हैं। यूफोर्बिया के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें वाइट कलर का सैप निकलता है वो पॉइजनस होता है। तो कई लोगों को उसका जो है रिएक्शन हो जाता है, जैसे फोड़े फिंसियाँ निकलना या फिर रैशेस पड़ जाना। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि जब भी आप यूफोर्बिया की कटिंग्स लगाएं तो उसमें जब वो वाइट वाला सैप निकलता है तो नंगे हाथों से उसको छुए नहीं, आप ग्लव्स जरूर पहन लें। तो ये रही मेरे यूफोर्बिया की कटिंग्स। ये जो जितनी पत्तियां झड़नी थी ये पोट के बीच में ही हैं, आप देख रहे हैं, और ये इतनी बच गई हैं। और एक में तो ये फूल भी, ये देखिए फूल, ये 6 कटिंग लगाई थी ना, और इसमें भी ये देखो ये न्यू कुछ आ रहा है, ये इस वाली कटिंग में भी एक पत्ती बची है बट इसमें भी कुछ आ रहा है नया। ये मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज है और मुझे नहीं पता कि आपको कैसे ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अब आप देख रहे हैं, ये इसमें न्यू लीव्स का ये मुझे लग रहा बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब टाइम लगेगा इसमें आने में। और इस तरह से और दूसरी उसमें भी है, ये इस वाली कटिंग में भी है, ये देखिए। तो इसका मतलब हमारी सारी की सारी कटिंग्स जो है चल पड़ी हैं पूरी की पूरी। ये देखिए ये इसमें भी है पूरी की पूरी कटिंग, और जिसमें जो पूरी ये लीव्स झड़ गई हैं उसके ये नीचे की तरफ ये निकल रहा है। इसमें आ क्यों नहीं रहा, फोकस नहीं हो पा रहा थोड़ा ठीक से। ये इसमें अब दिख गया होगा आपको, ये नीचे की तरफ निकल रहा है। पत्तियां तो ऊपर की झड़ गई हैं बट ये नीचे इसके न्यू लीव्स लगता है फूटने लगी हैं। तो अभी बनने में कुछ टाइम लगेगा। जिन भाई बहनों ने ये कटिंग लगाई है इस तरह से पूरी, अगर पत्तियां उनकी झड़ गई हैं तो भी वो अपनी कटिंग्स को निकाले ना, उनको पॉट में ही बना रहने दें। तो ये रहा मेरा यूफोर्बिया प्लांट के बारे में बात। और मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं उनके घर से सेम डे उसी दिन
मैं क्या लेके आई थी, ये तो जो प्लांट है ये कोलियस का, ये तो मेरे खुद के घर का है, ये लगा हुआ है। तो मेरे घर में भी कई तरह के इसकी वैरायटी है कोलियस की, पर फिर भी जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया दिख जाता है। तो ये मेरे फ्रेंड के यहाँ ये मुझे कुछ डिफरेंट तरह का ये दिखा, तो ये मैं कटिंग उनके घर से ले आई थी। इसका मैंने वीडियो बना के तो नहीं दिखाया, बट क्योंकि मैं ढेर सारी तरह तरह की कुछ कुछ कटिंग लाई थी और मैंने फिर वैसे ही जल्दी जल्दी लगा दिया। ये मैंने अलग पॉट में भी नहीं लगाया, तो ये भी मेरी स्टार्ट हो गई कटिंग, और ये भी, और इस तरफ ये भी। तो जो मेरे भाई बहन कोलियस की कटिंग लगाना चाहते हैं, बस इतनी सी आप ये तोड़ लीजिए, ये देखिए, बस ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा डिब्बा है, ये छोटा सा पेंट का खाली डिब्बा है ये जरा सा। तो इसमें मैं ऑलरेडी प्लांट लगा था और उस टाइम मुझे जल्दी जल्दी लगानी थी, और मैंने फिर मिट्टी में साइड साइड में लगा दी थी ये कटिंग इस तरह से। ये कितनी है, तीन कटिंग्स हैं ये मेरी, तो तीनों की तीनों चल पड़ी। और कुछ दिन तो इनकी पत्तियां सारी ऐसी मुरझाई हुई रहीं, और फिर कुछ दिनों के बाद ये देखिए अपने आप ही फ्रेश हो गई। और एक पत्ती जैसे ये जैसे हमारे नीचे की ये खराब हो रही है, तो ये इसको हम हटा सकते हैं, ये ऐसे हटा दिया हमने और बीच में डाला। तो ये देखो न्यू लीव्स आना भी स्टार्ट हो गया इसमें। तो ये मैंने 17 तारीख को मैं उनके घर गई थी, और 18 तारीख को, मेरे ख्याल से 18 ही, हाँ नेक्स्ट डे बनाया था मैंने ये वीडियो, ये यूफोर्बिया का वीडियो मैंने जो कटिंग्स लगाई थी 18 तारीख को लगाई थी, और सेम डे 18 को ही ये कटिंग्स मैंने इसमें लगा दी थी। तो ये भी मेरी चल पड़ी हैं। तो जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं इस तरह से लगा सकते हैं। एक मैं और उनके घर से ये कटिंग लाई लाई थी, ये गोल्डन फाइकस की, ये उनके मैंने लॉन में आपको दिखाया भी था, ये बड़ा ही सुंदर प्लांट लगा हुआ था सेंटर में। तो ये मैं उसकी कटिंग ये इस तरह से कुछ ऐसे पोली बैग में ऐसे ही लगा दी थी मैंने, पूरी खूब पत्तियां भी भरी थी। तो ये अब पत्तियां जो कुछ झड़नी थी ये झड़ गई, तो मुझे तो लग रहा था ये मर गई है कटिंग। पानी मैं इसको बराबर देती रही, और ड्रेनेज होल जो हैं ये मैंने ठीक रखे हैं। तो अब मैं ये देखती हूँ, ये देखिए आप, ये न्यू न्यू ये पत्तियां ये अभी आई हैं इसकी, और बीच में मुझे ये लग रहा है ये तो जैसे ये इतना हिस्सा इसका ये ड्राई हो चुका है, पर बट ये साइड वाला ये ठीक है। ये देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं, ये बन रही हैं, ये हटा दिया मैंने इसके ऊपर का, तो ये न्यू पत्तियां ये आना स्टार्ट हो गया। तो जो भाई बहन इस तरह से फाइकस की कटिंग, किसी भी तरह का जो फाइकस फैमिली से है, तो आप इस तरह से कटिंग उनकी लगा सकते हो। बल्कि इसको, इस कटिंग को मैंने प्रॉपर तरीके से भी नहीं लगाया था, इनकी पत्तियां पुत्तियां भी मैंने रिमूव नहीं की थी, मुझे इतनी जल्दी थी, इतनी सारी मेरे पास और भी कई कटिंग्स थी, तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था। तो होप तो मुझे लग रही है कि अब ये न्यू लीव्स जब इसमें इतनी आ गई हैं तो ये मेरी कटिंग चल पड़ी है। और ये छोटी छोटी जैसे ये रूट्स होती है ना, इस पे वाइट कलर की, पता नहीं आपके इस पे तने पे दिख रही होंगी कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये छोटी बिल्कुल हल्की हल्की सी, ये मुझे लग रहा है कि हल्की सी इसकी जैसे ये बन रही हैं ये रूट्स, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये मुझे इसमें से कुछ और ही दिखे जा रहा है, ये लग रहा है मुझे कि हल्की हल्की सी इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। और ये जो है हमारी कटिंग ग्रीन है, तभी फिर इसमें ये पत्तियां भी आ गई हैं। तो इस तरह से मेरे भाई बहन जो लगाना चाहते हैं वो इस तरह से ये कटिंग इसकी लगा सकते हैं। फाइकस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली, सॉरी, बहुत ही इजीली तरीके से ग्रो हो जाते हैं,
और उसी तरह से ये कोलियस के प्लांट्स भी, बस आप कटिंग्स लाइए और कहीं भी जो गमले में आपके ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है तो साइड में ये कटिंग्स लगा दीजिए। मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना आप। कल तो मेरे यहाँ खूब सारी बारिश हुई है, इस प्लांट को मैंने थोड़ी धूप और छाया वाली जगह में रखा हुआ है और इसमें भी अभी मेरा ध्यान गया, पहले नहीं गया था, इसमें भी जैसे कटिंग में ये आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेड 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 से ये छोटे छोटे से ये इसमें भी ये बन रही हैं, लगता न्यू लीव्स जो आना ये स्टार्ट हो गया है इसमें, इस वाली कटिंग में भी। ये देखिए आप, ये मैं फोकस कर पा रही हूँ कि नहीं, तो इसमें ये देखिए ये ढेर सारे छोटे 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 रेड रेड कलर के कई जगहों पे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारे ये यूफोर्बिया की सारी पूरी कटिंग हमारी चली गई है, ये चल पड़ी है। तो जो मेरे भाई बहन इस तरह से कटिंग यूफोर्बिया की लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए, और कोलियस की भी आप लगा दीजिए, क्योंकि कोलियस का तो अभी सीज़न है, खिलने का टाइम है और ये चल पड़ती है, आराम से चल पड़ती है। बस ऐसे ही कटिंग लगाइए, इतनी ही ले आइए जैसे जितनी मैंने लगाई है, बिना पत्ती तोड़े इतनी कटिंग ला के आप लगा दीजिए। और आपने पानी हर रोज़ इनको देना है, मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, तो आपकी जो कटिंग्स है वो 100% चल पड़ेगी। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिन भाई बहनों ने यूफोर्बिया लगाया होगा तो उनको ये दिख गया होगा कि मेरी 6 की 6 कटिंग्स पूरी चल पड़ी हैं। होप करती हूँ कि आप भी अपने गार्डन में इन प्लांट्स को जगह दोगे और ये बहुत आराम से चल पड़ते हैं, कोई ज़्यादा इन पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। नमस्कार जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद।